हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के साथ साथ वो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी देते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी देते हैं। बट यहां पर आप किसी भी राज्य से अगर बिलोंग करते हैं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप भारत के अन्य राज्यों के स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दे सकते हैं। आप किसी भी राज्य के किसी एक राज्य के होकर दूसरे भारत के किसी भी राज्य के स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको दे भी सकते हैं। डिफरेंस क्या रहता है? वो रहता है स्टेट जीके का। डिफरेंस क्या रहता है? वो रहता है स्टेट की जीके का। और कहीं ना कहीं हर स्टेट का थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न का चेंज रहता है, बट सिलेबस वही है, किताबें वही है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेट की जीके को देखकर या स्टेट को देखकर कि नहीं उसका पैटर्न डिफरेंट होगा, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, इस सोच में पढ़कर वो स्टेट के लिए जाते ही नहीं है। तो यहां पर मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूं कि आप किसी भी राज्य के, आप किसी भी दूसरे स्टेट के पीसीएस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभिमन्यु आईएएस अभिपीडिया विच इज पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस चंडीगढ़ आपके लिए लेके आया है एक कंप्लीट कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोर्स that will help you to enhance your preparation for the state civil services examination. अभिमन्यु आईएएस जो कि पिछले 22 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा है और 1500 से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स को प्रोड्यूस कर चुका है स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस, पंजाब सिविल सर्विसेज की बात करें, हरियाणा सिविल सर्विसेज की बात करूं, हमने टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, नंबर वन नंबर टू हमने प्रोड्यूस किए हैं। तो उसी लिए बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स की भी हेल्प करने के लिए अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है दैट इज अ ऑनलाइन कंबाइंड कोर्स, ऑनलाइन कोर्स दैट विल हेल्प यू टू क्रैक द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑफ द एनी स्टेट, जिसके अंदर आपको हर स्टेट का जीके, जो स्टेट जीके है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, हर स्टेट जीके की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड उसके अलावा आपका जीएस से लेके सीसेट तक का कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाया जाएगा। अगर आप आने वाले टाइम में खुद को सिविल सर्वेंट की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभिपीडिया के इन कोर्सेज को जरूर चेकआउट कीजिएगा। कोर्सेज के बारे में मैं अंत में आपको और जानकारी दूंगा, क्लास के अंत में मैं आपको और जानकारी दूंगा। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे भी विजिट कर सकते हैं और वहां जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको और मिलते रहे। और स्टेट सिविल सर्विसेज के हमारे इस टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज एक राज्य के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये राज्य है बिहार। तो बिहार के अंदर हम चर्चा करेंगे बिहार सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, दैट इज कंडक्टेड बाय द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, हर राज्य के अंदर अपना ही एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे सेंटर में यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वैसे हर स्टेट का एक पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो उस राज्य के सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो बिहार सिविल सर्विसेज को कंडक्ट करवाता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में और बिहार सिविल सर्विसेज के बारे में जानेंगे, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है, कितनी वैकेंसीज आती हैं, क्या उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो बिहार सिविल सर्विसेज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार सिविल सर्विसेज की बात करें तो जो बॉडी यहां पर बिहार सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। दैट वॉज एस्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। कब बनाया था? 1 अप्रैल 1949 को इसको बनाया गया था। उससे पहले जो ओडिशा और मध्य प्रदेश का था जो पब्लिक सर्विस कमीशन था उसके अंडर ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को इंक्लूड किया गया था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर आफ्टर द 1949 इसको अलग से सेपरेट बना दिया गया, हर स्टेट के लिए सेपरेट बना दिया गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अलग से बॉडी बना। एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर द आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यहां पर बिहार सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर वर्क करती है। तो चलिए आगे जानेंगे बिहार सिविल सर्विसेज के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, तो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी यहां पे रहता है एक ग्रेजुएशन डिग्री। आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। इस ग्रेजुएशन डिग्री के
चलते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं बिहार सिविल सर्विसेज के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं वैकेंसीज कितनी आती हैं, तो 2020 में 691 वैकेंसीज आई, 2021 में 553 वैकेंसीज आई। तो अच्छी खासी वैकेंसीज यहां पर सिविल सर्विसेज के अंदर आती है, बहुत सारी पोस्टें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, जैसे कि एसडीएम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन वाले हो गए, ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिसर, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हो गए। उसके बाद बात करूं डीएसपी हो गया, ईटीए हो गया, एफसीआई ऑफिसर्स हो गए, और भी ढेरों ऐसी जो ग्रुप बी की वैकेंसीज है यहां पे हायर की जाती है, रिक्रूट किया जाता है बाय द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया यहां पर मेल और फीमेल्स के लिए अलग रहता है थोड़ा सा, अगर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जो आती है या लीगल की पोस्ट आती है उसके लिए कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, पर जनरली इतना रहता है। जनरल मेल की बात करूं तो 20 साल रहता है मिनिमम एज और मैक्सिमम 37, और अगर फीमेल की बात करूं तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 यहां पे रहता है। उसके बाद कुछ कैटेगरी वाइज रहता है, और भी अगर आप किसी कैटेगरी हो तो आपको कुछ रिलैक्सेशन यहां पे और मिल जाती है, बट जनरली नॉर्मल इसी रेंज में रहता है, नॉर्मल इसी रेंज में रहता है। आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर तीन चीजें रहती है, सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके बाद मेंस का एग्जाम, तीसरा आपका इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। क्लियर हो रहा है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले प्रीलिम्स की। तो देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट करवाता है फॉर द बिहार सिविल सर्विसेज, ये पेपर जो होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 150 नंबर के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। जी हाँ, यहां पर सिर्फ जनरल स्टडीज का ही पेपर होता है, आपका सीसेट का एग्जाम नहीं होता, सीसेट नहीं होता है, सिर्फ एक ही पेपर होता है, एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अदर स्टेट्स में हमने बहुत सारे स्टेट्स में देखा कि सीसेट का एग्जाम भी होता है, जैसे यूपीएससी में होता है, बट यहां पे आपका एक ही पेपर होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और इसके बिहाफ पे आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, आप इसको क्वालिफाई करेंगे। एक मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया यहां पर रखा जाता है बाय द बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यहां पर एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फिक्स कर देता है, मिनिमम कट ऑफ क्लियर फिक्स कर देता है, उतना आप अगर आप लेके आते हो उसके बाद आप मेंस के लिए आगे बढ़ पाओगे। तो ये जीएस का एक ही पेपर होता है, 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, और सबसे मेन पॉइंट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बाकी स्टेट्स में हमने जैसे हरियाणा की बात करी, यूपी की बात करी, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, बिहार सिविल सर्विसेज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे मेंस की तरफ। मेंस की बात करें तो मेंस में होते हैं 4 पेपर, मेंस में होते हैं 4 पेपर, ठीक है। अब 4 पेपर में बात करें, सबसे पहले होता है हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का, उसके बाद जनरल स्टडीज का पहला पेपर 300 नंबर का, जनरल स्टडीज का दूसरा पेपर 300 नंबर का, और एक ऑप्शनल का पेपर जो भी 300 नंबर का एक ऑप्शनल का पेपर। देखिए ये सारे पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, हर पेपर में आपको 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा, हर पेपर आपका 3-3 घंटे का होता है, और टोटल 900 मार्क्स लिखा हुआ, बट आप यहां पे 1000 काउंट कर पाएंगे, 300 300 300 100। आप बोलोगे ये तो 1000 है, यहां पे 900 लिखा है, क्योंकि जो हिंदी का पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। लगभग 33% यहां पर कट ऑफ इसका निर्धारित किया जाता है बाय द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होते। तो 900 नंबर का आपका ये रहेगा, 900 नंबर का आपका 300-300 के 3 पेपर आपके रहेंगे, जो कि आपको फर्दर इंटरव्यू तक लेके जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन के टुवर्ड्स भी हेल्प करेंगे। तो ऑप्शनल में आप कुछ सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, क्लियर। तो 30% यहां पर रखा गया है, जो कि 2021 में रखा गया, क्या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हिंदी में आपको लेके आना है, ठीक है, हिंदी में आपको लेके आना है। और उसके बाद मैं बात करूंगा फर्दर किस चीज की, ऑप्शनल आपको एक चूज कर लेना है, एक ऑप्शनल आपको चूज कर लेना है। ये ऑप्शनल आप इन सब्जेक्ट्स में से चूज कर सकते हो, देयर आर सम सब्जेक्ट्स जिसमें से आपको ऑप्शनल चूज करना है, इन्हीं ऑप्शनल में से आगे आपको पेपर देना होगा, आपको पेपर देना होगा। उसके बाद आता है पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू, ये रहता है 120 नंबर का। तो 900 नंबर का हमारा था मेंस, टोटल 1020 में से आपका होगा फाइनल सिलेक्शन, 1020 में से आपका होता है फाइनल सिलेक्शन। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, जो मैथ रीजनिंग में इतना अच्छा बेटर नहीं कर पाते, जो जीएस में बहुत अच्छे होते हैं बट मैथ रीजनिंग में इतना बेटर नहीं कर पाते, तो उनके लिए बिहार पीएससी बहुत बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सीसेट है ही नहीं। तो एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी ये, ठीक है। और दूसरी बात, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, और अच्छा पॉइंट, तो बहुत ही अच्छे फीचर है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो ऐसे ही मैं आपको बताता जा रहा हूं, मैंने बहुत सारी स्टेट्स
कि आपके साथ चर्चा कर ली है, और भी बहुत सारे स्टेट्स की, भारत के सभी राज्यों की चर्चा हम करेंगे, सभी स्टेट्स का, पीएससी का, सभी स्टेट के सिविल सर्विसेज का एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या पैटर्न रहता है। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, एंड नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा जो कोर्स सब्सक्रिप्शन लिस्ट है वहां पर जाके फ्री रजिस्टर खुद को कर लेना है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, सारे अपडेट्स इनका पीडीएफ भी आपको मिलता रहे, वहां पे जाके आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है। एंड अभिमन्यु आपके लिए लेके आ रहा है कोर्सेज, तो वहां पर हमारे कोर्सेज को देखिए, उनको रिव्यू कीजिए, क्योंकि अभिमन्यु ने आपके लिए लॉन्च किया है कोर्स, दैट इज अ कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोर्स। ये कोर्स जो कि आपको टोटली हेल्प करने वाला है स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो कि आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि अभिमन्यु आईएएस पिछले 22 सालों से 1500 से ज्यादा सिलेक्शन दे चुका है, और ऐसी सिलेक्शंस जो टॉप रैंकर्स भी हमने प्रोड्यूस किए हैं अंडर द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। क्लियर? तो अभिमन्यु आपकी सेवा में लगा हुआ है, कई सालों से आपकी सेवा में हम लगे हुए हैं, तो अभी भी आपके लिए हम लेके आए हैं एक कंबाइंड सिविल सर्विसेज का कोर्स जो कि 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देगा, दैट इज जीएस प्लस सीसेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट जीएस प्लस सीसेट। उसके बाद आपको जस्ट प्रैक्टिस करते रहना है, और आप जिस भी स्टेट के लिए पीसीएस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो 6 महीने का सिलेबस है, बट कोर्स की वैलिडिटी आपकी 2 साल की रहेगी, कोर्स की वैलिडिटी आपकी 2 साल की रहेगी, ताकि आपका जो जिस स्टेट के लिए आप जाना चाहते हैं वो स्टेट का अगर पीसीएस बाद में आता है तब भी आप लेक्चर को प्रिपेयर कर पाएंगे। और यहाँ पे अभिमन्यु ने आपके लिए लेके आया एक फ्री ट्रायल फॉर दैट 20 डेज, 20 डेज का फ्री ट्रायल हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज ही अपने ट्रायल के लिए खुद को रजिस्टर कराएं, आज ही फ्री ट्रायल ज्वाइन करें और खुद को रजिस्टर कराएं, एंड एक फ्री मॉड्यूल कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में आपके लिए लेके आए हैं, जो कि टोटली फ्री रहने वाला है, टोटली फ्री कोर्स ऑफ द मॉड्यूल कोर्स ऑफ द डेमो मॉड्यूल कोर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, तो ये कोर्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्रैक करने में टोटली हेल्प करने वाला है। इस कोर्स को देखिए, इस कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर खुद को रजिस्टर कर लीजिए, और क्लासेस को देखिए और चेकआउट कीजिए हमारे कोर्सेज को। ऐसा कोर्स हमने डिजाइन किया है जो कि आपको स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो आज ही अभिमन्यु आईएएस को ज्वाइन कीजिए, अभिपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना डेमो मॉड्यूल आज ही बुक करिए, आज ही अपना डेमो मॉड्यूल बुक कर लीजिए, और आने वाले समय में खुद को अभिमन्यु के टॉपर लीक्स में शामिल कीजिए, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। जब हम कुछ ठान लेते हैं तो हम कुछ करके ही रहते हैं, तो ठान लीजिए आज से कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करके ही रहना है, और जुड़ जाना है अभिमन्यु के साथ, अभिमन्यु के साथ, अभिमन्यु जो कि टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस करता आ रहा है पिछले कई सालों से। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे टुडे। आज हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हमने डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास में हम अनदर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, एंड कोर्सेज को नीचे जाके विजिट कीजिए। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।